वेलकम बैक चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट हेडिंग हम लोग एपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट कर रहे थे, या एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। अगर लिफ्ट में कोई आदमी खड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो उसे अपना वेट कितना फील होगा, उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन देख रहे थे। और हम लोग ने फर्स्ट थ्री केसेस करे थे। अब हम लोग को आज केस फोर करना है कि अगर लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, यानी व्हेन द लिफ्ट मूव्स, व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन स्मॉल ए, अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो उस समय हमें अपना वेट कितना एपियर होगा, यानी मुझे एपरेंट वेट निकालना है। और जब भी एपरेंट वेट निकालना है, तो हमें नॉर्मल रिएक्शन को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये मैंने एक लिफ्ट फिर बना दी है, कॉमन डायग्राम हो गया, तीन चार बार इसको बना चुका हूँ। ये मैंने लिफ्ट दिखा दी, और ये लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, और इसमें कोई बॉडी रखी हुई है, और उस बॉडी का मास, ये मैंने एक बॉडी बना दी, इसका मास एम है, इसका मास एम है। तो आपको मालूम है कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी होगी, तो उसका वेट, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, यानी W इज इक्वल टू एम जी, तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और जिस सरफेस पे रखी हुई है, जिस सरफेस पे रखी हुई है, यानी ग्राउंड, उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन R अप्लाई करेगा। तो मैं बस R की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, जो R की वैल्यू होगी वही नॉर्मल रिएक्ट, वही जो है एपरेंट वेट होगा। तो अब किसे लिफ्ट नीचे जा रही है, सिंस लिफ्ट इज मूविंग, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, इसलिए हम लोग जो नेट फोर्स निकालेंगे वो नीचे डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा, उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें दो फोर्सेस आपको नजर आ रहे हैं, एक तो वेट और एक रिएक्शन। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप क्या करेंगे कि वेट में से, W में से इस ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेट का फॉर्मूला एम जी होता है, तो एम जी माइनस नॉर्मल रिएक्शन। अब आपको एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन है कि लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ फोर्स की जगह रख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से मैं अगर आर की वैल्यू निकालूं, तो आर की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस एम ए। देखिए एम जी एक्चुअल वेट होता है, किसी भी बॉडी का जो एक्चुअल वेट होता है एम जी होता है, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एम ए, तो डेफिनेटली जो एम जी माइनस एम ए की जो वैल्यू आएगी, जो आर आएगी, वो एम जी से कुछ कम होगी, क्योंकि एम जी में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में, यानी ये एपरेंट वेट का तो फॉर्मूला आ गया, एपरेंट वेट यानी लिफ्ट अगर नीचे जा रही है, तो उस समय हमें अपना वेट कितना फील होगा, उसको अगर आपको निकालना है, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और ये फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट करता है कि जो जो हमारा एपरेंट वेट होता है, जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो हमें अपना वेट जो फील होगा वो एक्चुअल वेट से कुछ कम होगा, एम ए के बराबर कम होगा, क्योंकि एम जी में से एम ए सब्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, ये केस फोर था बच्चों। अब केस फाइव हम लोगों को देखना है। केस फाइव, व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है, यानी लिफ्ट में जो चेन लगी हुई है वो अगर ब्रेक हो जाए, अगर लिफ्ट में जो चेन लगी है वो अगर ब्रेक हो जाती है, तो उस समय हमें अपना वेट कितना फील होगा। तो व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, इस केस में फिर मैंने ये लिफ्ट दिखा दिया है, और लिफ्ट अगर फ्रीली फॉल कर रहा होगा, अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रहा है,
तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा, जैसे कोई हम बॉडी को ड्रॉप कर दे किसी हाइट से, तो उसमें जो एक्सेलरेशन लगता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, ठीक है, क्योंकि वो अंडर ग्रेविटी फॉल करेगा। तो इस केस में अगर हम लोग देखें, अगर ये मैंने फिर बॉडी ले ली है, इसमें रखी हुई है, इसका मास m है, तो क्या होगा कि mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और जिस सरफेस पे रखी हुई है उसका रिएक्शन आर हो जाएगा। लिफ्ट फॉल फ्रीली करके कह सकता है, या ये कह सकता है कि लिफ्ट की जो रोप है या चेन है वो टूट गई है, ठीक है। इफ द सपोर्टिंग, मैं लिख सकता हूँ कि इफ द सपोर्टिंग केबल ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट जिस केबल से बंधा होता है, अगर वो ब्रेक कर जाए, टूट जाए, ब्रेक्स, देन क्या होगा, देन एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो डाउनवर्ड ही होगा, टूटने के बाद लिफ्ट नीचे ही जाएगी। देयरफोर अगर मैं नेट फोर्स निकाल लूँ, इस केस में नेट फोर्स की अगर वैल्यू निकाल लूँ, तो नीचे जा रही है इसलिए नीचे डायरेक्शन वाले फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फोर्स की इधर लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स की जगह रख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन एम इनटू ए, जैसे ऊपर वाले केस में था। लेकिन अब की से ए की जो वैल्यू होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगी। तो इक्वेशन 1 से मैंने ए की वैल्यू रख दी, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन 1, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई mg हो जाएगा, यानी 0 आ गई, mg - mg 0 हो गया। तो रिएक्शन की जो वैल्यू है, रिएक्शन 0 हो गया है। रिएक्शन 0 होने का मतलब ये हो गया कि मुझे अपना वेट 0 फील होगा, यानी हम वेटलेसनेस फील करेंगे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब है कि जो भी बॉडी लिफ्ट के अंदर है उसे अपना वो वेटलेस फील करेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एपरेंट वेट वेट ऑफ अ मैन बिकम्स 0, 0, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो बॉडी, जो मैन जो होगा वो वेटलेसनेस फील करेगा। अब इसमें हम लोग को सिक्स केस देखना है, केस नंबर 6, और ये लास्ट केस भी है लिफ्ट का। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो जा रही है, लेकिन जो एक्सिलरेशन की जो वैल्यू है वो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज्यादा है। केस सिक्स, व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन बढ़ते बढ़ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी 9.8 से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? तो हमें इस हेडिंग में ही गिवन है कि ए इज ग्रेटर देन स्मॉल जी, ए की वैल्यू जी से ज्यादा है, और इस केस में भी लिफ्ट तो नीचे ही जा रही है, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है और ए की वैल्यू ग्रेटर देन जी है। इसमें कोई बॉडी रखी हुई है एम मास की, तो उस बॉडी का जो वेट है एम जी वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और रिएक्शन सरफेस की वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी। तो फिर अगर मैं नेट फोर्स की इक्वेशन निकालूं, नेट फोर्स की अगर मैं इक्वेशन निकालता हूं, तो एम जी में से
आर को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, एम जी माइनस आर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स की जगह रख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम जी माइनस आर। तो यहाँ से मैं अगर आर की वैल्यू निकाल लूँ तो ये आ जाएगा एम जी माइनस एम ए, और ये आपको गिवन है कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एम जी माइनस ए। सिंस ए इज ग्रेटर देन जी, ए की वैल्यू अगर जी से ज्यादा होगी तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आर की वैल्यू हो जा रही है नेगेटिव, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी हमें अपना वेट जीरो से भी कम महसूस होगा, ठीक है। तो ऐसा जो है इस केस में क्या होगा कि अगर आदमी लिफ्ट में खड़ा हुआ है तो लिफ्ट से वो लिफ्ट का के बेस का कांटेक्ट वो छोड़ देगा, यानी वो थोड़ा हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। यानी इस केस में क्या होगा, इन दिस केस अ पर्सन विल राइज, ए पर्सन विल राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ ए लिफ्ट, ठीक है। यानी अब मैन का जो कांटेक्ट होगा वो केबल के फ्लोर पे नहीं होगा, और उठ करके हो सकता है कि ये लिफ्ट की छत से टकरा जाए, ठीक है ना। एंड क्रैश अगेंस्ट द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट, सीलिंग ऑफ लिफ्ट। ये सिक्स केसेस थे। यस, तो अब हम लोगों को नेक्स्ट हेडिंग पढ़नी है कि अगर कोई लिफ्ट है बच्चों, अगर मैं एक लिफ्ट बना दूं, सॉरी लिफ्ट कह रहा हूँ, पुली, एक पुली अगर मैं ले लेता हूँ और पुली के ऊपर से कोई स्ट्रिंग पास हो रही है और इसके दोनों एंड से दो मासेस बंधे हुए हैं, ये मास M1 और दूसरा मास M2, दो मासेस हैं जो किसी पुली के, स्मूथ पुली है और जिस स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं उसको हम लोग वेटलेस एज्यूम करके चल रहे हैं, और इस पुली को मैंने एक रिजिड सपोर्ट से फ्रीली सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि M1 का साइज M2 से ग्रेटर है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि M1 इज ग्रेटर देन M2। तो डेफिनेटली अगर मास M1 ज्यादा है तो ये वाली बॉडी नीचे मूव करेगी और ये हल्की वाली बॉडी जो लाइटर बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और जिस एक्सेलरेशन से M1 नीचे जाएगा उतनी ही एक्सेलरेशन से M2 ऊपर उठेगा, यानी जो लिफ्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, लिफ्ट इस पुली जो होगी वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी विद द सेम एक्सेलरेशन ए। ए को बोलते हैं कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। मैंने इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो टी सपोज कर लिया है, टेंशन हमेशा वेट के ऑपोजिट लगेगा, टेंशन हमेशा वेट के ऑपोजिट लगेगा। तो अब हम लोग ये हमारी जो अब हेडिंग है वो है मोशन ऑफ ए बॉडी सस्पेंडेड सस्पेंडेड विथ ए स्मूथ पुली। इसमें आप दो एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं, पहली चीज कि पुली स्मूथ है यानी इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, और जो स्ट्रिंग है वो वेटलेस है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे दो चीजें निकालनी है, एक तो एक्सेलरेशन निकालना है चिरन, और दूसरा जो है टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों ही केसेस में जो बॉडी का वेट होगा, मास M1 का जो वेट M1G होगा वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और जो M2 का वेट है M2G वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। अब एक एक बॉडी को लेकर के जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उस डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तो जैसे मैं अगर मास M1 की बात करूं, फॉर मास M1, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज है,
मैं M1 वाली बॉडी को सेपरेटली बना रहा हूँ। ये M1 मास की मैंने कोई बॉडी दिखा दी, इस पे वेट M1G नीचे लग रहा था और टेंशन ऊपर लग रहा था, और इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की ओर था। ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही थी, ये ए एक्सेलरेशन से, तो इसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी। तो फ्री बॉडी डायग्राम में, फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्ट में FBD भी लिख देते हैं, FBD, ठीक है ना। तो इसमें भी वही तरीका है कि आप चेक करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। M1 का डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर की ओर है, किस डायरेक्शन में है, फिगर में नजर आ रहा है कि डाउनवर्ड है। तो आप क्या करेंगे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा M1G - G, M1G - G। और इधर की ओर लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स की जगह रख देते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं M1 वाली बॉडी को लेके चल रहा हूँ, तो जहां भी मास आ रहा है वहां मैं M की वैल्यू रख रहा हूँ। जैसे F फोर्स की जगह M2 * A नहीं लिखेंगे, क्योंकि मास M1 के लिए आप इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं मास M2 के लिए इक्वेशन बना रहा हूँ, जैसे इसको बनाया है बिल्कुल वैसे ही जो है मैं M2 वाले के लिए इक्वेशन बना रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं दूसरी बॉडी का डायग्राम बनाऊँ, सेकेंड बॉडी का अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, तो क्या बनेगा, फॉर मास M2, फॉर मास M2। अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम फिर बना रहा हूँ, जो सेपरेटली डायग्राम बनाते हैं, एक एक बॉडी को लेकर के डायग्राम बनाते हैं और उसमें फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो डायग्राम जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है, ठीक है। ये M2 मास की बॉडी मैंने ले ली, इस M2 का वेट M2G डाउनवर्ड लग रहा था, और स्ट्रिंग जो कि वेटलेस थी उसमें टेंशन T था। तो ये M2 ऊपर की ओर जा रही है, यानी इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की ओर है। ए एक्सेलरेशन से M1 नीचे आ रही थी, तो उतने ही एक्सेलरेशन से M2 ऊपर जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में बाई जुड़े हुए हैं, ये कंबाइंड सिस्टम है। तो अब नेट, इसके लिए नेट फोर्स की अगर मैं इक्वेशन निकालूं, नेट फोर्स की इक्वेशन अगर मैं इस वाले के लिए निकालता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ऊपर जा रही है, तो ऊपर के डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, T - M2G, और फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा T M2A, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, इसमें T निगेटिव है, इसमें T पॉजिटिव है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूँ, ऐड करने जा रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा M1A + M2A, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया M1A + M2A, और राइट साइड में ये -T + T से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है M1G - M2G। इससे A कॉमन ले लिया लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से G कॉमन ले लिया, तो ये आ गई। तो इससे एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, जिस कॉमन एक्सेलरेशन से दोनों बॉडी मूव कर रहे हैं उसका फॉर्मूला आ गया A = M1 - M2 / M1 + M2G, ठीक है। ये इस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करेगी। अब ये A की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रख दूं या 2 में रख दूं, किसी एक में पुट कर दीजिए, पुट ए इन इक्वेशन 2, जैसे मैंने 2 में रख दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले टी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो T = हो जाएगा M2A + G। इसे मैं ए की वैल्यू रख दे रहा हूँ। अब ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसको स्पीड में लिखता चला जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ें चल रही हैं। अब जी इससे कॉमन आ गया, जी कॉमन आ गया, उसके बाद अगर आप एलसीएम ले लेंगे
एम वन माइनस एम टू प्लस एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू हो जाएगा, और जी कॉमन आ चुका है, एम टू कैंसिल। तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आया टेंशन निकालने का, टेंशन को फोर्स भी कहते हैं, तो हो सकता है कि आपको किसी न्यूमेरिकल में ये कह दे कि स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप टेंशन निकाल देंगे। जो टेंशन होगा वही जो है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन निकालने को पूछेगा या फिर टेंशन निकालने को आपसे इन क्वेश्चंस में कहेगा। ये टॉपिक अब खत्म हो गया है।